Welcome students, today we will discuss the minors and cofactors of a matrix which is square, adjoint of a square matrix and inverse of a square matrix. First of all, we are taking a matrix of order A equal to order 3 by 3, 2, 1, 5, minus 1, 2, 6, 0, minus 1 and 3. There are 3 rows and 3 columns, that's why this is a matrix of order 3 by 3. The minors is always taken according to the elements. Minors jo hote hain, wo kisi bhi matrix ke andar elements ke respect mein chalte hain, elements ke according chalte hain. सपोज हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं A11, तो इसका जो एलिमेंट का माइनर होगा वो माइनर m से रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात. दूसरा, उसे हम लिखेंगे m11. इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव यूज होगा या नेगेटिव यूज होगा. तो जैसे मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके रेस्पेक्ट में जो माइनर बनेगा वो मेरा माइनर होगा ये वाला पार्ट. मतलब कहने का ये है कि जिस माइनर को मैं लेता हूं उसकी रो एंड कॉलम छिपा दी जाती है और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख लिया जाता है. तो अगर मैं ये रो कॉलम छिपाता हूं तो बचता है 2, 6, -1, 3. माइनस और 3, इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो ये 6 एंड ये माइनस साइन के साथ जाने वाला है तो --6 = 12. इसी तरह से M12 की अगर मैं बात करूंगा, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो मेरा एलिमेंट होगा 1. इसके अकॉर्डिंग ये रो कॉलम मैं छिपा लूंगा इस तरह से, तो बचे हुए एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे -1, 0 एंड यहां पर होंगे 3, 6, 3. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से जाएगा और ये माइनस में जाने वाला है, तो ये होगा -3, -0 = -3. इसी तरह से M13 की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 5 के लिए जाएगा और ये इस तरह से छिपा लिया जाएगा, तो बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं दिखे हमें आप लोगों को, ये एलिमेंट मेरे बचते हैं -1, 2, 0 एंड -1, जिसका मैं एक्सपेंशन जब करूंगा तो एक्सपेंशन होगा ये प्रोडक्ट से ये माइनस होता है हमेशा, तो ये होगा 1 - 0 = 1. इसी तरह से मैं इस एलिमेंट के लिए अगर बात करता हूं, ये एलिमेंट है 2, 1, तो इसका माइनर होगा कैपिटल M से 2, 1. तो ये आप अगर लेंगे तो ये रो आपका कॉलम आपका चला जाएगा और बीच की रो चली जाएगी, तो 1, 5, -1, 3. इसका एक्सपेंशन उसी तरह से हम लोग करने जा रहे हैं, ये माइनस लिख जाएगा यहाँ पे, तो 3 + 5 = 8. अब M22 की मैं बात करता हूँ, M22 ये एलिमेंट है मेरा, तो इसके अकॉर्डिंग रो कॉलम आपके छिप जाएंगे, बचेंगे 2, 5, 0 एंड 3. ये हो जाएगा 6 - 0 जिसे मैं 6 लिख देता हूँ. अब M23 की बात करते हैं, 23 ये वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बीच की रो आपकी खत्म होने वाली है CR2 और C3 खत्म होने वाला है, बचे हुए एलिमेंट होंगे 2, 1, 0, -1, जिसका रिजल्ट होगा -2, -0, ये -2 मेरा रिजल्ट आ जाता है. ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ. अब इसके आगे जरा चलने वाला है थर्ड रो पे हम जाएंगे, तो ये एलिमेंट होगा M31. जब ये थर्ड 31 एलिमेंट में निकालने जाऊंगा तो आप देखेंगे ये आपके छिप जाएंगे, बचे हुए एलिमेंट देखेंगे 1, 1, 5, 2, 6. ये मेरा माइनस हो गया. अब मैं इस माइनर की बात करने जा रहा हूं, इस एलिमेंट के लिए मैं माइनर लिखूंगा 3, 2, 3 मेरे पास आएगा. 3, 2 ये एलिमेंट है तो ये रो कॉलम आपके छिप जाएंगे, ऐसे कॉलम जाने वाला है, ये रो जाने वाली है, बचे हुए एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2, -1, 2, -1 एंड 5, 6. ये प्रोडक्ट फिर उसी तरह से 12 + 5 मेरा 17. तो ये मैं आगे बढ़ता हूं अगले
अब हम लोग थर्ड माइनर निकालेंगे, तो एम थ्री थ्री की जब मैं बात करूंगा तो इस एलिमेंट के लिए बचेंगे टू वन माइनस वन टू, टू वन माइनस वन टू, जिसका एक्सपेंशन हो जाएगा फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव। इस तरह से हमने माइनर्स निकाल लिए हैं, जो एम वन वन, एम वन टू, एम वन थ्री, ऐसे ही एम टू वन, टू टू एंड टू थ्री है, और थर्ड के लिए जाएंगे तो थ्री वन, एम थ्री वन, एम थ्री टू एंड एम थ्री थ्री, ये मेरा आ गया है। अब हम लोग अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, तो अब हमारा आता है कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में जो डिफरेंस है वो केवल पॉजिटिव नेगेटिव साइन का है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइनर्स निकाल चुके हैं तो आपको केवल कोफैक्टर निकालने के लिए आगे यानी कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होता है, जो आता है एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग कि वो किस रो किस कॉलम में आया हुआ है। अगर वो रो कॉलम की हमें चीजें पता चल जाए तो हम लोग उसके एलिमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैं ये वाला मेरे पास है माइनर, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, माइनर के अकॉर्डिंग लिखना चाहता हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है? मान लीजिए एम आई जे की मैं बात करूं तो उसके लिए यूज होता है माइनस वन की पावर आपका एम प्लस, सॉरी आई प्लस जे यूज करते हैं हम लोग, ये साइन यूज होता है किसके साथ? माइनर के साथ। किसे निकालने के लिए यूज होता है? ये को आई जे, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट आई जे, तो वो माइनर आई जे पे जाएगा और साथ में प्रोडक्ट होगा माइनस की पावर आई प्लस जे। इसको हम लोग जनरली ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा साइन का होता है तो हम लोग आगे लिखा करते हैं आई प्लस जे कर देते हैं इसको, और ये हो गया माइनर आई जे। तो ये जो कोफैक्टर आई जे मैंने निकाला है, इस कोफैक्टर के लिए जब मैं जाऊंगा साइन लेकर के, तो वो माइनर को निकाल चुका हूं, केवल प्लस माइनस चलेगा एलिमेंट पोजिशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं इसके लिए बात करना चाहता हूं, तो मैं अगर M11 पे आता हूं तो M11 के अकॉर्डिंग मुझे C11 निकालना है, तो यहां पर मेरा जो साइन आएगा वो 1 प्लस 1 हो गया 2। अगर मैं यहां देखूं तो 1 प्लस 1 मेरा 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो यहां पर साइन होगा पॉजिटिव 1, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा माइनर की वैल्यू ही रह जाती है, जो कि मैं देखता हूं वो है 12। कितना है वो? 12। तो इसको मैं लिख दूंगा सीधा 12। ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर है, टू के लिए जो कोफैक्टर बन के आया, जो कि मैंने माइनर से निकाला है प्लस माइनस यूज करके, वो मेरा प्लस 12 का। इसी तरह से अगर मैं यहीं पे सीधा बात करना चाहूं कि मैं कोफैक्टर 1 2 लिखना चाह रहा हूं, यहां पे मैं कोफैक्टर ऐसे ही मैं यहां पे C11 लिखूंगा, तो C11 होगा प्लस 12, और ये देखो ये मेरा 1 और 1 2 करके अगर मैं देखूं तो ये मेरा बैठता है सम ओड। क्या बैठता है? सम ओड नंबर। ओड नंबर के अकॉर्डिंग मेरा साइन आएगा माइनस का, तो उसके लिए मैं माइनस 3 पहले से ही है मेरे पास, तो मैं इसको प्लस 3 लिख दूंगा। अब मान लीजिए मैं एम 13 पे बात कर रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग 13 जब मैं एलिमेंट लिखूंगा, कोफैक्टर लिखूंगा 13, तो कोफैक्टर 13 के लिए मेरे पास 1 और 3 ये जो सम है ये हो गया मेरा इवन, और इवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। इवन के अकॉर्डिंग प्लस साइन, ओड के अकॉर्डिंग माइनस साइन। ये मुझे थोड़ा ध्यान रखना है कि साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और कोई खास बात इसकी नहीं है। तो पॉजिटिव आ गया और ये मैं सीधा ये जो माइनर की वैल्यू थी, इस माइनर की जो वैल्यू थी उसे प्लस करके लिख दूंगा। ऐसे ही मैं जब M21 पे जाऊंगा तो M21 मेरा जो देगा वो C21 रिजल्ट देगा। इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं, तो यहां पर ये देखिएगा इन दोनों का सम हो गया है ओड, और ओड की वजह से साइन आने वाला है 2-1 है, ओड नंबर हो गया दोनों का सम, तो माइनस साइन नंबर, तो ये हो जाएगा माइनस 8। इस तरह से मेरे कोफैक्टर्स निकलते चले जाएंगे। अब मैं जब इसकी बात करूंगा तो C22 होगा, जो C22 होगा वो मेरा C22 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 6। यहां पर अगर मैं C23 की बात करूंगा तो ये मेरा ओड बैठता है यहां पे, तो ओड की वजह से माइनस आएगा, और माइनस 2 ऑलरेडी था तो मेरा 2 बन गया। इसी तरह से हम यहां पे जा सकते हैं, जब मैं इसको लिखूंगा C31, C31 दोनों का सम जो है 3 प्लस 1 4 है, इवन है तो वो पॉजिटिव, माइनस 4 ऑलरेडी था ही, तो ये माइनस 4 देगा मुझको रिजल्ट। ऐसे यहां पर जब मैं जाऊंगा
सी थ्री टू पर, तो वो थ्री टू हो गया मेरे पास सम ओल्ड, सम हो गया ओल्ड, जिसके वजह से मैं माइनस इंक्लूड करूंगा 17 मेरी वैल्यू थी माइनर की, माइनर की वैल्यू है और माइनस साइन आ जाएगा आपका। इस माइनर के लिए जब मैं कोफैक्टर लिखना चाहूंगा तो 3 प्लस 3 हो गया मेरा 6, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो प्लस का 5। तो इस तरह से हम लोगों ने जो निकाले हैं, हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल दिए। तो कोफैक्टर माइनर अगर मुझे पता चल जाए, फिर उनके इवन ओड के हिसाब से, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि आई प्लस जे रो कॉलम का सम अगर इवन आता है तो पॉजिटिव साइन इंक्लूड होगा, और अगर रो कॉलम का सम ओड आता है तो नेगेटिव साइन यूज होगा। ये हम लोग यहाँ पर यूज करके निकाल सकते हैं माइनर्स। अब हम आगे मूव करते हैं एडजॉइंट पे। मैट्रिसेस चेंज नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, अब हम एडजॉइंट की बात करते हैं। और एडजॉइंट निकालने में सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर्स निकालना है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो वो ट्रांसपोज कंजुगेट होता है, ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहला काम क्या आया मेरा कि मुझे सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब मैं पहले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं। टू एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा इससे बनेगा, जैसे कि हम माइनर्स में निकाल भी चुके हैं, माइनर निकाला था फिर हमने उसी से कोरेस्पोंडिंगली कोफैक्टर्स बनाए थे, तो अब मैं उसको नहीं कर रहा हूं माइनर्स, मैं सीधा कोफैक्टर पे आता हूं। तो जब मैं कोफैक्टर्स लिखूंगा इस एलिमेंट के, तो डायरेक्टली प्लस का साइन होगा क्योंकि यहां पे मेरा इवन बैठा है, 1 + 1 2 हो गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन आएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूं 2 6 - 1 एंड 3। ये मैं एक ही बार लिख के दिखा रहा हूं इस तरह से, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हो गया मेरे पास 6 एंड + 6 = 12। अब हम जाते हैं 1 2 पर, 1 2 इस एलिमेंट के लिए है, जिसे हम करेंगे - 3 0 equal to minus 3, और इसकी वजह से साइन क्या आने वाला है? नेगेटिव साइन, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, इस माइनस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाए। अब हम बढ़ते हैं 1 3 पे, इस एलिमेंट की बात करता हूं, तो 1 minus 0 1 आ गया। अब हम बात करते हैं 2 1 इस एलिमेंट के लिए, आगे तो नेगेटिव आने वाला है इसकी वजह से, क्योंकि इवन ओड हमें ध्यान रखना है, इवन ओड अगर इवन आता है तो प्लस, ओड आता है तो माइनस, माइनस आ गया है। अब ये एलिमेंट जाएंगे 3 प्लस 5 माइनस 8 हो गया मेरा। अब मैं लिखता हूं 2 2 आगे पॉजिटिव यूज होने वाला है, इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो 6 माइनस 0। फिर हम यहां पर पहुंच गए हैं 2 3 पर, 2 3 ये एलिमेंट है तो आएगा माइनस 2 माइनस 0, बाहर माइनस साइन की वजह से रहेगा क्योंकि 2 3 इवन ओड मुझे ध्यान रखना है, ओड बैठता है तो माइनस आने वाला है मेरा, जिसे मैं 2 बोल दूंगा। इसके बाद 3 1 3 1 एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो 6 माइनस 10, प्लस साइन है तो कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद एलिमेंट आता है 3 2 3 2 एलिमेंट है मेरा ये वाला, तो 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 5, और बाहर ओड के हिसाब से माइनस साइन बैठ रहा है तो माइनस के 17। चलो यहीं पे लिख लेते हैं इसका भी, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 बाय 3 यानी कि 3 3 का, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 4 + 4 + 1 = 5, और पॉजिटिव साइन रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझको रखने में। इस तरह से मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं जो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल थे। 9 एलिमेंट्स थे, 9 कोफैक्टर है। अब जो एडजॉइंट की हम बात कर रहे थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होती है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा आपका, एक ट्रांसपोज लेना है मुझे किस मैट्रिक्स का, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया है, जो ये कोफैक्टर्स मैंने निकाले हैं कोरेस्पोंडिंग मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, इनसे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसका ट्रांसपोज ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सारे एलिमेंट्स जो ये एलिमेंट बनने वाले हैं उस मैट्रिक्स के लिए, 12 3 1 माइनस 8 6 2 माइनस 4 माइनस 17 एंड 5। अब ये ट्रांसपोज हम लास्ट लेक्चर में पीछे हम पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस में कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके। तो ये रोज बनी हुई है, इन्हें मैं कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूं, शिफ्ट कर दूंगा इनको, तो
किस तरह से चेंज होता है वो देखते हैं। 12 3 1, अब ये जो बीच वाला है ना यानी कि रो 2 वो कॉलम 2 में कन्वर्ट होने जा रहा है, -8 6 2, और फिर लास्ट में फाइनली जो R3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा C3 पर। इस तरह से मेरा यह चेंज आ गया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो हमारा जो निकलने वाला है वो है इनवर्स ऑफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उसकी एग्जिस्टेंस पे बात कर लेते हैं कि क्या मैट्रिक्स जो दी हुई थी उसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग उसके लिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट है कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए होता है एडजॉइंट ए अपॉन, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रेशियो में आया हुआ है। सपोज किसी कारण ये मेरा जीरो हो गया, सपोज किसी कारण ये जीरो हो गया, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिसेस में जनरली होता है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एक्सपेंशन जीरो होता है, या ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भी उसका एक्सपेंशन जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिसेस जो है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? अगर ये जीरो आ जाता है तो ये यहां पर अनडिफाइंड सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिसे हम इंफिनिटी बोलते हैं कि डिवाइड में है तो इंफिनिटी आ गया। तो ऐसी सिचुएशंस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब बात आती है कि भाई एग्जिस्ट है, क्योंकि हम लोग अभी जांच करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसको आइडेंटिफाई कराएंगे कि क्या ये पॉसिबल है। उसके लिए मुझे ये एक्सपेंशन करना, यानी कि डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है। तो हम लोग डिटरमिनेंट की बात करते हैं। अब मैं यहां से रबिंग कर रहा हूं, हटा रहा हूं इसको, और यहां पर मैं एक्सपेंशन करके लाऊंगा, डिटरमिनेंट निकाल के लाऊंगा मैट्रिक्स का। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो जनरली मॉडुलस टाइप के साइन लगा करके दिखाया जाता है, और फिर यहां पर हम लोग इस तरह से डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ये मैंने डिटरमिनेंट बनाया। अब इसका एक्सपेंशन लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 2, इसके बाद 6, माइनस माइनस प्लस 6, उसके बाद -1, उसके बाद -3, -0, एंड फाइनली 5 एंड 1 माइनस जीरो। अगर मैं इसे सॉल्व करके लाऊं, 2 12 आएगा, -1 -3 आएगा, और ये 5 1 रह गया। सिंपलीफाई करेंगे 24 होगा प्लस 3 होगा प्लस 5 होगा, इसे हम अगर सिंपलीफाई करें तो 32। मैं यहां पे देखता हूं कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, hence we can say mod of a, that means the determinant of a is not equal to 0, so a inverse exists। अगर ये 0 आ जाता तो exist नहीं थी। तो अब मेरे पास सिचुएशन आ गई कि इनवर्स एग्जिस्ट है, और इनवर्स एग्जिस्ट है तो ये कांसेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं, ये मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, जिससे मुझे कैलकुलेट किया आएगा मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझको, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं ये हटा लेता हूं यहां से, और यहीं पर मैं इनवर्स की वैल्यू रखता हूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में लिखने जा रहा हूं। तो a इनवर्स इक्वल टू, ये एडजॉइंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट में लिखने जा रहा हूं, ये मेरा एडजॉइंट आ गया था 12 -8 -4 3 6 -17 1 2 and 5, और ये जो मैग्नीट्यूड यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला, जो कि वेरी वैल्यू यहां पे दिखाई दे रही है आपको 32 आई होंगे, इस वैल्यू को मैं यहां पर प्लेस करने जा रहा हूं 32। ये जो मैंने रिजल्ट निकाल के दिया है ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो इनवर्स ऑफ ए के लिए एक प्रॉपर्टी जो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज्यादा कई बार इस्तेमाल की जाती है, वो प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सपोज इस तरह की कई चीजें अगर प्रोडक्ट में होती तो रिवर्स फॉर्म लिखना शुरू कर दीजिए, ए बी सी डी ई, इस तरह से तो उल्टा लिखना शुरू कर दिए, रिवर्स लिखना शुरू कर दिए, ई बी सी डी ए, इनवर्स में रेसिप्रोकल फॉर्म, इनवर्स फॉर्म एक तरह से, या उल्टा फॉर्म भी बोल सकते हो आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बी और ए के लिए मैंने करके दिखाया है। एक और कि अगर आप आई का इनवर्स निकालने जा रहे हैं यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आई ही होता है। ओके, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आगे हम क्लासेस में दे सकते हैं।